तो गाइस स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स के अंदर। अभी हम आ चुके हैं ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर। जी हां गाइस, पुष्कर जिसे जाना जाता है पुष्कर मेले के नाम से, और यहां पर इसे जाना भी जाता है कैटल फेयर के नाम से। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे लाइन से जो है वो काफी सारे ऊँट खड़े हुए हैं, और मेरे पीछे मेले का जो है वो आगाज आज से प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर में यहाँ पर दीप जलाकर इस मेले का स्वागत होने वाला है, इस मेले का प्रारंभ होने वाला है। तो काफी मजा आने वाला है इस ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर के अंदर, जहां पर तीर्थराज पुष्कर स्थित है। और कहा जाता है कि यहां पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जितने भी समस्त देवी देवतागण है वो पृथ्वी पर आते हैं और यहाँ पर मेला लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा अभी काफी दूर है, लेकिन मेला आज हो रहा है प्रारंभ। तो मेले के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास होने वाला है यहाँ पर। तो बने रहिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन इस तरह की आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस ये देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा पुष्कर से लाइव, जहाँ पर होगी कैमल सफारी आज से स्टार्ट। ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा है ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर के अंदर। आज है इस महीने का पहला दिन, और पहले दिन अभी इनॉग्रेशन हो चुका है। और ये देखिए गाइस बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए गाइस एक शानदार नजारा पुष्कर चल रहा है। तो गाइस कहा जाता है राजस्थान का जहाज ऊंट, और यही मिट्टी के अंदर बनाया गया है राजस्थान का जहाज, जिसे कैमल कहा जाता है। तो ये गाइस ये देखिए मिट्टी का टीला, अब जब यहाँ पे हम लोग मूव करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये कैमल। इसे कहा जाता है सैंड आर्ट। से इस मेले का हुआ है प्रारंभ।
और ये देखिए गाइस, नगाड़ों की ताल पे थिरकते हुए विदेशी सरारी। गाइस, दीप जलाकर इस मेले का आगाज प्रारंभ होगा। तो यहाँ के जो माननीय अतिथिगण हैं वो आ चुके हैं और अभी होने वाला है दीप प्रज्वलन। हमारे बीच माननीय कमल पाठक जी, चेयरमैन नगर परिषद पुष्कर, हमारे बीच पधारे हैं। माननीय पुष्कर नारायण भाटी, आज होने वाला है सांस्कृतिक प्रोग्राम, जो कि स्कूल की छोटी छोटी बालाएं यहां पर करने वाली है सांस्कृतिक प्रोग्राम। तो राजस्थान का जो ट्रेडिशन है, उसी ट्रेडिशन के अंदर यहां पर ड्रेस में तैयार होकर कन्या यहां पर आ चुकी है और पूजा अर्चना के बाद में यहां पर होने वाला है सांस्कृतिक प्रोग्राम। बहुत कुछ होने वाला है आज यहाँ पर। तो गाइस, कहा जाता है राजस्थान में जब तक कच्ची घोड़ी का डांस नहीं होता तब तक वो महोत्सव महोत्सव नहीं माना जाता। तो ये है कच्ची घोड़ी, है यहाँ के रेगिस्तान के जहाज ऊंट और काफी अच्छी किस्म के ऊंट यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, कितना खूबसूरती से इसको तैयार किया गया है। ये देखिए गाइस।
ये देखिए गाइस, ये है राजस्थान। यहाँ ऊंट के अंदर ढोल नगाड़ों की भी व्यवस्था है, यहाँ पे बजेगी शहनाई। और ये देखिए गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत नजारा राजस्थान के पुष्कर से। हेलो, ये देखिए गाइस, राजस्थान की परंपरा, इसे देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं पुष्कर के अंदर। ये देखिए गाइस, गाइस पीछे से आ रही होगी आपको मंत्रों की आवाज। और यहाँ पर कैमल राजा, यहाँ पर ऊंट राजा। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत नजारा, अपने जुगाली करते हुए। और जैसे ही कैमरा इनके मुंह के पास में आया, इन्होंने अपनी जुगाली बंद कर दिया है। तो ये सेल्फी इनको भी शायद हैबिट पड़ गई है। देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, गाइस ऐसा नजारा आपको सिर्फ और सिर्फ पुष्कर में ही देखने को मिलेगा। झंडा रोहण हो चुका है, झंडा रोहण के साथ में इस पुष्कर मेले का आगाज प्रारंभ हो चुका है। अरे गार्ड ऑफ ऑनर, ये देखिए गाइस, पुष्कर मैदान से लाइव पुष्कर मेले का आगाज। आज से 7 दिन तक चलेगा ये पुष्कर मेला, और आज मेले का पहला दिन है। और आप देख पा रहे होंगे विदेशी सैलानी यहाँ पर भर भर के हैं, और ये खूबसूरत नजारा Thank you.
छात्रों के बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ के जो मुख्य अतिथि है उन्होंने भी ढोल नगाड़े बजाकर बता दिया है कि ये मेला किसी से कम नहीं। राजस्थान में एक कहावत है कि अतिथि को माना जाता है देवता। अच्छी घोड़ी का गाइस आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ का ट्रेडिशनल रंगोली जिसे कहा जाता है, जो कि चूने और गेरू से बनता है। तो यहाँ की महिलाएं बना रही है रंगोली दीवारों के ऊपर।
देखिए गाइस, पालघर हमारे नजरागढ़ विराजमान है और अपने सोयल एरिया को इन मेलों का आनंद ले और भी अनूठे मन भावनों और सुरंगों की इस मांगलिक शुभ अवसर को और भी अधिक मनमय बना रही है। एक एक करके ये देखिए बस मंच के आगे से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको दिखाई देगा राजस्थान का लूंढारू कल्चर, जहाँ पर धूप को सजाया जा रहा है और ढोल नगाड़ों के साथ इस त्योहार का आयोजन किया गया है। बहुत ही खूबसूरत नजारा ये आपको दिखाई दे रहा है पुष्कर। धर पूजा धर मंजला धर मंजला धर पूजा चालता चालता सारू उटारी आसोहा निरली फूल वेगी और इराबाद में शिवरी फुटबॉल और साथ में हम और बोल रहे हैं कि पास इन फुटबॉल में सारे खेलते ये देखिए गाइस,